स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम डेटाबेस के सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे जो कि है रिलेशन एंड टेबल टेबल इज कॉल्ड रिलेशन टेबल को रिलेशन कहते हैं और रिलेशन इज आल्सो कार्ड टेबल स्टूडेंट ये जो चीज है अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है कि टेबल इज कॉल्ड रिलेशन एंड रिलेशन इज कार्ड टेबल टेबल और रिलेशन इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी एक टेबल और रिलेशन के अंदर हम किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो होती है एक इंटिटी की तो इंटिटी क्या है इंटिटी इज़ एनी थिंग अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज़ स्टोर टू द डाटा बेस एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी इन्फॉर्मेशन हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं या डेटाबेस बेस में आपने जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होगी उसको हम क्या कहेंगे इंटटी का नाम देंगे इंटिटी कोई पर्सन भी हो सकती है कोई थिंक भी हो सकती है और कोई इवेंट भी इंटिटी हो सकती है तो इंटिटी इज अ थिंग इज अ पर्सन और अ इवेंट इंटिटी में हैव मैनी एट्रीब्यूट्स जो इंटिटी है उसके कई एट्रीब्यूट्स होते हैं यानी कि उनकी एक इंटिटी की कई प्रॉपर्टीज और करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो किसी इंटिटी की प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं स्टूडेंट जैसे कि हमारे पास एक स्टूडेंट इंटटी है तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं स्टूडेंट का रोल नंबर उसका एट्रीब्यूट हो सकता है स्टूडेंट का टीचर उसका एट्रीब्यूट हो सकता है स्टूडेंट की बुक्स भी उसके एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं तो ये तमाम चीज़ें एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं जो मेन चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये कि एवरी हैव यूनिक नेम हर एट्रीब्यूट का एक यूनिक नेम होता है यानी कि जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि स्टूडेंट एक एंटिटी है तो उसका एक एट्रीब्यूट है रोल नंबर तो रोल नंबर जो है वो यूनिक है रोल नंबर को हम रोल नंबर ही कह सकते हैं रोल नंबर का हम कोई और नाम नहीं रख सकते इसलिए हम कहते हैं कि एवरी एवरी एट्रीब्यूट है नेम द रिलेशन आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी एक टेबल या रिलेशन हम क्यों यूज करते हैं ताकि हम किसी इंटिटी की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर सकें ईच एट्रीब्यूट हैव वन एंड ओनली वन वैल्यू अभी हमने देखा कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं इंटिटी के वो यूनिक नेम होता है उनका और हर एट्रीब्यूट्स की एक ही वैल्यू होती है एक वैल्यू को क्या मतलब है जैसे कि रोल नंबर मेरे पास एक एट्रीब्यूट है तो उसकी वैल्यू एक ही होगी या तो एक बच एक स्टूडेंट है उसका रोल नंबर वन हो सकता है या टू हो सकता है ये नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर वन भी हो और टू भी हो या एक स्टूडेंट है तो उसका नाम आयशा भी हो और उसका नाम सादिया भी हो एक स्टूडेंट के दो नेम नहीं हो सकते तो एट्रीब्यूट हमेशा सिंगल वैल्यू में होते हैं अब हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि इंटटी कैसे होती हैं और इंटरी के एट्रीब्यूट कैसे होते हैं अगर हम कहें कि हमारे पास एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम स्टूडेंट की तमाम इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो अगर हम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो इसकी इंटिटीज क्या हो सकती हैं स्टूडेंट एक इंटिटी हो सकता है टीचर भी एक इंटिटी है कोर्स स्कॉलरशिप टाइम टेबल फी इन इंटिटीज के अलावा और भी कई इंटटीज़ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में हो सकती हैं लेकिन हम फिलहाल इन इंटिटीज को यहाँ पर देखते हैं तो हमने देखा कि एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इंटिटी आती हैं तो ये जो इंटिटी होती है जैसे स्टूडेंट एक इंटटी है टीचर एक इंटटी है तो ये एक एक टेबल या एक रिलेशन बन जाता है जब भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर हम स्टूडेंट को एक इंटिटी ले रहे हैं जो कि एक रिलेशन है तो इसके एट्रीब्यूट क्या हैं रोल नंबर नेम डेट ऑफ बर्थ एड्रेस एंड फोन तो स्टूडेंट एक इंटिटी हुआ तो ये उसके एट्रीब्यूट हुए तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम कहें कि टीचर एक इंटिटी है तो टीचर के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं उसका नेम एक एट्रीब्यूट हो सकता है टीचर की क्वालिफिकेशन उसका एट्रीब्यूट हो सकता है टीचर का एम्प्लॉय आईडी उसका एट्रीब्यूट हो सकता है ठीक है तो ये टीचर के एट्रीब्यूट होंगे तो इसी तरह हर इंटिटी के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं तो स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट बात यहां पर अब आपको भूलनी नहीं चाहिए और ये जो चीजें मैं अब आपको बताने लगी हूं ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज्यादा आती हैं ऑल एट्रीब्यूट्स कन्वर्टिड इन टू अ कॉलम इन अ रिलेशन जब हम एट्रीब्यूट्स को कन्वर्ट करते हैं रिलेशन के अंदर तो वो कॉलम बन जाते हैं इंटिटी एक टेबल बन जाती है और जो उसके एक इंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कॉलम बन जाते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक टेबल है जो कि स्टूडेंट टेबल है जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि स्टूडेंट एक इंटिटी थी तो ये हमने देखा ये टेबल जो है ये रिलेशन जो है ये एक इंटिटी है और ये इंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं रोल नंबर नेम डेट ऑफ बर्थ एड्रेस एंड फोन तो देखा आपने कि हर एट्रीब्यूट जो है वो कॉलम बन जाता है तो ये हमारे पास जो कॉलम है ये एट्रीब्यूट शो को शो करते हैं तो हर एट्रीब्यूट जो है वो कॉलम में चेंज हो जाता है इसी तरह जो हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं इनको हम रो कहते हैं जैसे मैंने कहा यहाँ पे देखा देखा हमने कि रोल नंबर वन है ये उसका रिकॉर्ड है ये दूसरा जो है रोल नंबर टू का रिकॉर्ड है ये रोल नंबर थ्री का रिकॉर्ड है तो जो अक्रंस होती है रिकॉर्ड्स की उनको हम रो कहते हैं जैसे यहाँ पर ये रोज हैं और ये हमारे पास कॉलम्स हैं द रोज एंड कॉलम्स द रोज आर आल्सो काट टपल ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में आता है जो रोज होती हैं उनको हम टपल भी कहते हैं ठीक है थीके? रोज एंड टपल एक ही चीज़ हैं ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता है रिकॉर्ड्स रोज एंड टपल ये एक ही चीज़ के नाम है इसलिए आपने कन्फ्यूज नहीं होना रिलेशन डेटाबेस में ये टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स रोज एंड टपल एक ही चीज है और कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज इस टेबल और जो कलेक्शन होता है रो एंड कॉलम का उसको हम क्या कहते हैं टेबल जैसे ये रो एंड कॉलम का कलेक्शन है तो इसको हम क्या कहेंगे ये टेबल है नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि टेबल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल एंड रिलेशन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अक्सर आ जाता है इसलिए अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करें कि प्रॉपर्टीज क्या हैं टेबल एंड रिलेशन की आ रिलेशन टू टेबल इज द बेसिस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो टेबल और रिलेशन हमने पीछे डिस्कस किया है कि एक इंटिटी होती है उसका टेबल हम बनाते हैं और उसके इंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कॉलम में चेंज हो जाते हैं और जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम लोग रो और टपल में चेंज कर देते हैं और इस कम्बिनेशन को हम टेबल या रिलेशन का नाम देते हैं तो जब ये टेबल और रिलेशन को स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसकी बेसिक्स जो हैं बुनियाद ही ये रिलेशनल टेबल है तो प्रॉपर्टीज क्या हैं एक टेबल और रिलेशन की नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट द ऑर्डर ऑफ रो इज इन सिग्निफिकेंट द ऑर्डर ऑफ कॉलम इज इन सिग्निफिकेंट कॉलम एंड एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल और अटोमिक तब हम इनको अलग से इनकी डिटेल देखते हैं जो हमारे पास सबसे पहला है वो क्या है नॉर डुप्लिकेट रो एग्जिस्ट यानी कि टेबल के अंदर या रिलेशन के अंदर कोई भी टू रो सेम नहीं हो सकती सेम रोज नहीं हो सकती टेबल और रिलेशंस के अंदर तो टेबल शुड नॉट हैव टू आइडेंटिकल रो एक टेबल के अंदर टू रोज आइडेंटिकल नहीं हो सकती एक जैसी नहीं हो सकती ई मस्ट हैव एट लीस्ट वन कॉलम और सेट ऑफ कॉलम टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द टेबल एक टेबल में कम से कम एक कॉलम ऐसा जरूर हो जो कि यूनिक होना चाहिए या एक से ज्यादा कॉलम भी हो सकते हैं तो एक कॉलम तो लाजमी हो एक से ज़्यादा कॉलम भी हो सकते हैं जो कि टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे सच कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इस कार्ड प्राइमरी की इन कॉलम को हम प्राइमरी की का नाम देंगे तो स्टूडेंट याद रखिएगा प्राइमरी की क्या होती है प्राइमरी की वो कॉलम होता है जिसके अंदर वैल्यूज़ जो होती हैं वो यूनिक होती हैं और रोज़ को हमें डिफरेंट uh, बनाने के लिए हम प्राइमरी की का इस्तेमाल करते हैं इट इन्श्योर्स डैट एवरी रो इन अ टेबल इज़ आइडेंटिफाई यूजिंग दी प्राइमरी की और इसी प्राइमरी की की वजह से हम किसी रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अगर हम देखें ये हमारे पास एक टेबल है तो यहाँ पे मैं वन लिखती हूँ रोल नंबर वन है इसका नाम अली है और इसकी क्लास जो है वो फर्स्ट ईयर है ठीक है अब मैं दूसरा जो रो है उसमें लिखती हूँ रोल नंबर टू और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सादिया ठीक है सादिया और इसका भी इसकी क्लास वन है तो आपने आप अगर नोट करें तो इसमें दोनों जो रोज़ हैं वो डिफ़रेंट रोज़ हैं रोल नंबर वन रोल नंबर टू तो दोनों रोज़ में मैंने जो लिखा है वो डिफ़रेंट लिखा है तो अगर मैं इसको ऐसे कर देती कि रोल नंबर टू रोल नेम है अली और क्लास है वन चलिए वन कर देते हैं और दूसरे जो रो है उसमें भी मैं लिख दूँ रोल नंबर टू ठीक है क्लास अली ठीक है और रो, और हमारे पास जो इस क्लास है वन तो अब ये क्या है कि दो रोज जो हैं वो सेम आ गई हैं तो हम डेटाबेस बेस के अंदर ऐसा नहीं कर सकते कम से कम एक कॉलम जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई ज़रूर होना चाहिए और अगर इस तरह नहीं होता तो इससे क्या हो जाता है तो हमारी अगर दो रो सेम आ जाएँ तो रिडेंडेंट हो जाता है हमारा डाटा और रिडेंडेंट होने की वजह से हमारा डाटा इनकन्सिस्टेंट हो जाता है इसलिए हम हमेशा ये कोशिश करेंगे हमेशा कोशिश क्या कि हमेशा हमारी जो टेबल या रिलेशन है इसमें कोई भी टू रोज जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं होंगी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है द ऑर्डर ऑफ रो इज़ इनसिग्निफिकेंट तो स्टूडेंट रिलेशन और जो टेबल है इनके अंदर जो रो का ऑर्डर है यानी जो रो की पोजीशन है ये इनसिग्निफिकेंट होती है यानी कि कोई मायने नहीं दिखाती इनसिग्निफिकेंट का मतलब है कि कोई मायने नहीं है ऑर्डर का रो का द पोजिशन ऑफ रो इन रिलेशन इज इनसिग्निफिकेंट, इसका कोई भी मायने नहीं है द रो इज़ नॉट आइडेंटिफाई बाई इट इट्स लोकेशन हम रो को इसकी लोकेशन की बेस पर आइडेंटिफाई नहीं करते जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास टेबल है और इसमें रोल नंबर वन है सादिया है फर्स्ट ईयर दूसरा टेबल जो है इसमें रोल नंबर टू है और है हरीम है और सेकेंड ईयर तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास अब आप देखें अगर मैं इसको यहाँ पर इसकी जो रो की पोजीशन है वो चेंज करती हूँ तब मैंने क्या किया कि रो टू जो है वो मैं ऊपर ले आई हूँ और रो वन नीचे ले आई हूँ तो इससे कोई भी मसला नहीं होगा क्योंकि जो पोजीशंस हैं रो की वो इनसिग्निफिकेंट होती हैं तो अगर मैंने नीचे वाले से भी अगर मैंने रोल नंबर टू का रिकॉर्ड देखना है तो मैं देखूंगी कि रोल नंबर टू का नेम हरीम ही रहा और क्लास उसकी सेकेंड ईयर ही रही तो अगर ऊपर भी रोल नंबर टू का नाम हरीम था और कार्ड सेकंड ईयर ही था तो इससे हमें पता चला कि जो ये सिग्निफिकेंट होती है जो रो की पोजीशन होती है या आप ये समझ लें कि जो रो का ऑर्डर होता है वो इन सिग्निफिकेंट होता है जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है द पोजिशन ऑफ द कॉलम इन अ रिलेशन इज आल्सो इन सिग्निफिकेंट आप कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ द कॉलम इज ऑल्सो इनसिग्निफिकेंट कि ऑर्डर ऑफ द कॉलम भी इनसिग्निफिकेंट होता है रो ऑफ द कॉलम भी इनसिग्निफिकेंट होती है और ऑर्डर ऑफ द कॉलम भी इनसिग्निफिकेंट होता है द पोजिशन ऑफ द कॉलम इन द रिलेशन इज़ इनसिग्निफिकेंट द कॉलम इज नॉट आइडेंटिफाई बाय इट्स लोकेशन इन रिलेशन जिस तरह रो भी आइडेंटिफाई नहीं होती थी अपनी लोकेशन से तो कॉलम भी जो है अगर हमें उसे आइडेंटिफाई करना है तो उसकी लोकेशन कोई मायने नहीं रखाती हम कॉलम को आइडेंटिफाई करते हैं उसके नाम से उसके नेम से एट्रीब्यूट के नेम से द कॉलम कैन बी रिट्रीव इन एनी ऑर्डर हम कॉलम को से अगर हमने डाटा को लेना है तो हम उसे किसी भी ऑर्डर से रिट्रीव कर सकते हैं ये बेस करता है हमने क्या क्यूरी लगाई है यहाँ पे भी, भी देखें हमारे पास जो फर्स्ट टेबल है रोल नंबर रोल नंबर है पहले फिर नेम है फिर क्लास है और अगर मैंने अब आप नीचे टेबल पे देखें जो दूसरा टेबल मैंने बनाया उस मैंने इनकी जो कॉलम्स हैं उनकी जो ऑर्डर है वो चेंज कर दिया है पहले नेम है फिर क्लास है फिर रोल नंबर है लेकिन यहाँ पे भी, भी अगर मैंने रोल नंबर वन का रिकॉर्ड देखना है तो उसका क्लास फर्स्ट ईयर ही रही और उसका नाम सादिया ही है रोल नंबर टू जो है उसका नाम उसकी क्लास सेकेंड ईयर ही है और उसका नाम हरीमी रहा तो इससे हमें यह पता चला कि ऑर्डर ऑफ द कॉलम भी इनसिग्निफिकेंट होता है जैसे रो ऑफ द कॉलम सॉरी जो रो होती है जो ऑर्डर ऑफ द रो है वो भी इनसिग्निफिकेंट होता है तो स्टूडेंट हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है टेबल की वो क्या है कि कॉलम्स एंड एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल एंड अटोमिक जो वैल्यूज होती हैं किसी भी कॉलम और एट्रीब्यूट में वो हमेशा क्या होती हैं एलिमेंटल होती हैं यानी कि अटोमिक होती हैं एलिमेंटल और अटोमिक का क्या मतलब है कि वैल्यूज़ जो हैं वो यूनिक होती हैं एन एंट्री इन द इंटरसेक्शन ऑफ द ईच रो एंड कॉलम इज अटोमिक जो भी एंट्री हम एक इंटरसेक्शन uh, में करेंगे इंटरसेक्शन का क्या मतलब है जहाँ पे रो एंड कॉलम जो है मिलते हैं जैसे कि ये एक इंटरसेक्शन है जहाँ पे रो एंड कॉलम मिला है ये हर सेल जो होता है वो एक इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जैसे ये रोल नंबर वन का जो सेल है ये एक इंटरसेक्शन है क्योंकि यहाँ पे रो एंड कॉलम मिलकर रो एंड कॉलम मिलते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो एक ही होगी यानी अगर वो मैंने रोल नंबर वन एंटर किया तो यहाँ पे मैं कोई और रोल नंबर नहीं एंटर करूंगी यानी एक बच्चे का रोल नंबर वन ही होगा ये नहीं मैं कर सकती कि मैं कहूँ कि एक बच्चे का रोल नंबर वन भी है और टू भी है यहाँ पे बात करते जैसे नेम है अगर रोल नंबर वन है तो इसका नेम सादिया है, तो यहाँ पर मैं कोई और मैं कहूँ कि सादिया भी है और आ, अलीना भी है तो ये दो नाम नहीं मैं यहाँ पे एंटर कर सकती क्योंकि हमेशा जो सेल्स की वैल्यूज़ हैं जो इंटरसेक्शन की वैल्यू है रो एंड कॉलम की वो हमेशा अटोमिक रहेगी अ वैल्यू डेट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड एटॉमिक वैल्यू एटॉमिक वैल्यू क्या होती है ऐसी वैल्यू जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते जैसे कि नेम है सादिया है अब मैं मज़ीद इसमें और इसको और कोई नाम नहीं दे सकती अगर मैंने इसको और नाम दिया तो एक बच्चे के दो नाम नहीं हो सकते एक ही नाम होता है तो इसलिए ये वैल्यूज़ हमेशा अटोमिक रहेंगी इट मीन्स देयर कैन बी ओनली वन वैल्यू इन ईच सेल इसका क्या मतलब है कि हर वैल्यू जो है हर सेल में एक ही वैल्यू हम एंटर कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ इन रिलेशन आर नॉट अलाउड रिलेशन के अंदर जो मल्टीपल वैल्यूज़ हैं वो अलाउड नहीं हैं आप एक रिलेशन में एक ही वैल्यू जो है वो एंटर कर सकते हैं टू वैल्यूज़ एंटर नहीं कर सकते इसको हम कहते हैं अटोमिक एंड एलिमेंटर वैल्यू तो हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ रो इन ऑर्डर ऑफ रो इज इन सिग्निफिकेंट ऑर्डर ऑफ कॉलम इन इनसिग्निफिकेंट एंड नो डुप्लीकेट रो इज एग्जिस्ट एंड कॉलम एंड एट्रीब्यूट आर एलिमेंटल एंड एटोमिक दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन एंड टेबल तो स्टूडेंट ये तो था हमारा लेक्चर आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से सुने बार बार सुने अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा थैंक यू सो मच